चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। काफी लंबे समय से जिस फिल्म का इंतजार भोजपुरिया दर्शक कर रहे थे, आखिरकार वो आज भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर रिलीज कर दिया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक्शन स्टार यश कुमार मिश्रा, अंजना सिंह और पारस पंडित अभिनीत भोजपुरी मूवी नागराज के बारे में। आपको बता दें कि नागराज और बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर 50 से ज्यादा सेंटर पर रिलीज किया गया और करीब 80% से ज्यादा सिनेमाघरों में इसे जबरदस्त ओपनिंग देखा गया। आपको बता दें कि सुबह से ही सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भीड़ टिकट काउंटर पर देखने को मिली। कई सिनेमाघरों में दर्शकों को भारी में टिकट ब्लैक होते हुए देखा गया, तो कहीं दर्शकों को टिकट ना मिलने से दूसरे शो का इंतजार करना पड़ा। कुल मिला के कहा जाए तो बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर नागराज को जबरदस्त ओपनिंग मिली है। फिल्म नागराज में काफी लंबे समय के बाद यश कुमार मिश्रा अंजना सिंह के साथ जोरदार रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं, जो भोजपुरिया दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। साथ ही साथ नाग के अवतार में नजर आ रहे यश कुमार मिश्रा का एक्टिंग भोजपुरिया दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा है। यश कुमार मिश्रा और अंजना सिंह पर फिल्माया हुआ रोमांटिक गाना दर्शकों की जुबान पर सर चढ़कर बोलता है। फिल्म में दूसरी एक्ट्रेस पारस पंडित के अभिनय का भी भोजपुरिया दर्शक बेहद कायल हो चुके हैं। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो भोजपुरिया दर्शकों को नागराज काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक नागराज नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी थिएटर में जाकर जरूर देखें और अपने प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको नागराज फिल्म कैसी लगी।